पहले था राम राम सारा ने। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब मस्त हो गए और अपने पेपर की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। आज आपा मैं आपको इस वीडियो में जो हरियाणा के कुछ वन्य जीव अभयारण्य और जो कुछ स्टेडियम हैं जिनसे बार बार HSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज मैं वो सारी इसमें डिस्कस करूँगा। ठीक है, अगर अभी भी किसी ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इस वीडियो को पहले अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या अगर आपको अपनी स्टडी से भी रिलेटेड कोई डाउट है तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। आइए आज की वीडियो अपनी शुरू करते हैं और इसके अंदर मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताता चलूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना और अंत तक देखना। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूँ GKY दीवान सर यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ वन्य जीव अभयारण्य के नाम बताऊंगा और कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वन्य जीव अभयारण्य है उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि जो HSC है वो पहले ये पूछता था कि ये वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है, लेकिन वो आजकल उससे डेट और वो कितने वर्ग किलोमीटर है उससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारा कलेसर वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है? यह यमुनानगर में। ठीक है, नेक्स्ट है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ये है पंचकुला में। ठीक है, नेक्स्ट है चीलचिला वन्यजीव अभयारण्य, ये है कुरुक्षेत्र में। पहले दो तो सबको याद होते हैं, कालेसर यमुनानगर में, और ये दूसरे वाला भी सबको याद हो जाता है, ये पंचकुला में। लेकिन जो चीलचिला वन्यजीव अभयारण्य है ये है कुरुक्षेत्र में। आप इसको ऐसे याद कर लेना, आपको ये तो पता है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध हुए थे और युद्ध में लोगों को कहीं ना कहीं चोट लगती है, उनका कहीं ना कहीं से मांस छिल जाता है, आपको याद रह जाएगा चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है नहाड़ वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी में, नहाड़ रेवाड़ी। वह देखो मिलते जुलते वर्ड है नहाड़ रेवाड़ी। ठीक है, ना तो ऐसे भी कर लेना मैं रेवड़ी नहीं खाता। ठीक है, मैं रेवड़ी नहीं खाता, आपको याद हो जाएगा रेवड़ी से रेवाड़ी और नहीं से नहाड़। ठीक है, नेक्स्ट है अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य, ये है सिरसा में। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये है सिरसा में। आप ऐसे याद रख लेना अभी मेरे सिर में दर्द है। ठीक है, अभी मेरे सिर में दर्द है, अभी से हो जाएगा अबूब शहर और सिर से सिरसा। हमारा मेन मोटिव है आपको याद करवाना, और आपका भी मेन मोटिव यही होना चाहिए कि याद करके अगर पेपर में से कोई भी क्वेश्चन बने और उसको टिक करके हम पेपर को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है बिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, ये है झज्जर में। नेक्स्ट है खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य, ये भी झज्जर में है। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर लेना घर में भीड़ोगे तो खोपड़ी फूटेगी। ठीक है, आपको याद हो जाएगा घर से हो जाएगा झज्जर, भीड़ों से हो जाएगा भिंडेवास और खोपड़ी से हो जाएगा खप्परवास। ठीक है, अब याद कर लेना घर में भीड़ोगे तो खोपड़ी फूटेगी। नेक्स्ट है खोली रेतान वन्यजीव अभयारण्य, ये है पंचकुला में। नेक्स्ट है सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य, ये है कैथल में। ठीक है, ये भी आप सबको याद ही होता है, ये कैथल में है। नेक्स्ट है वीरवाड़ा वन्यजीव अभयारण्य, ये है जींद में। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, वो गुड़गांव में है, और एक है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये है यमुनानगर में। इससे आपको ये याद हो जाएगा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों के दोनों यमुनानगर में है। और आइए जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम उनको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, आप सब मुझे कमेंट में फटाफट बताओ कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। यह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर में स्थित है। यह पहले एक पक्षी अभयारण्य था जिसे वर्ष 1989 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। HSC बहुत बार पूछ चुकी है कि इसे राष्ट्रीय पार्क किस वर्ष बनाया गया था, वो बनाया गया था 1989 को। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 1.43 वर्ग किलोमीटर है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, यहाँ शीत ऋतु में सैकड़ों पक्षी प्रवास करते हैं जिनमें साइबेरियन सारस मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। पेपर में बहुत बार पूछ रखा है कि साइबेरियन सारस पक्षी किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, वो आते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में और ये गुरुग्राम में है। यहाँ पर हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क भी स्थित है। आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ दो से तीन बातें याद रख लेनी है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में है, इसे 1989 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था और इसका कुल क्षेत्रफल 1.43 वर्ग किलोमीटर है और ये साइबेरियन सारस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सुल्तानपुर से आपको याद हो जाएगा साइबेरियन, दोनों में सासा आता है तो आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के पूर्वी भाग के यमुनानगर में स्थित है। यह उद्यान लाल जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है।
पेपर में पूछते हैं कि कौन सा उद्यान लाल जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है, वो है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और दिसंबर 2003 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। यह अभयारण्य यमुनानगर जिले में स्थित है। यह पर्यावरण हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, यहाँ पर सांबर, चीतल, भौंकने वाले हिरण और नीलगाय आदि पाए जाते हैं। आपने इसको तो जरूर याद रख लेना। पेपर में पूछते हैं कि भौंकने वाले हिरण किस वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं कालेश्वर में, और नीलगाय आदि यहाँ पाए जाते हैं। यह 11,570 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। यह अभयारण्य पर्यटकों के आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है। ठीक है, इसलिए इसमें से हमारे पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, वो है एक तो पहले कि कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य यमुनानगर में है और यहाँ पे भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं, और यह 11,570 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। नेक्स्ट है अति पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र। हरियाणा के यमुनानगर जिले में बन संतोर जंगल में एक हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क भी यहाँ पर स्थित है। आजकल पेपर में आपको पता है कि डीपी पूछ रहे हैं, पेपर में पूछा जाएगा कि चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क कहाँ पर स्थित है, वो यमुनानगर के हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे याद ना हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा कि जैसे यमुनानगर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। इसे वर्ष 1975 में अभयारण्य बनाया गया। यहाँ पर सांबर, चीतल, नीलगाय आदि निवास करते हैं। और आप मुझे फटाफट बताओ कि ये वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया और आज भी बता रहा हूँ कि हम एक पूरे परिवार की तरह। अगर आपको अपनी स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। ठीक है, हम आपको डेली की डेली वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इन वीडियो को डेली देखना और इनकी बार बार आपने रिवीजन भी करनी है, और इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके और ये हमारा परिवार और भी बड़ा हो सके। नेक्स्ट है बीरवारा वन्यजीव संरक्षण केंद्र। ठीक है, यह जींद जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। 1414 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को 29 जुलाई सन 1988 को स्थापित किया गया था। इसकी बार बार पेपर में डेट पूछी जाती है तो आप इसको जरूर याद रख लेना। यह मुख्य रूप से कैथल में स्थित है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा कुरुक्षेत्र जिले में भी फैला हुआ है। इसे सुंदर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में याद रख लेना, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को सुंदर जंगल के नाम से भी जाना जाता है, और ये वैसे मुख्य रूप से कैथल में स्थित है। अगर लेकिन कैथल अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो उसकी जगह कुरुक्षेत्र होगा, तो आप उसको टिक कर देना। पहले आपने कैथल को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, और आइए अब हम एक मोटिवेशन कोट भी डिस्कस कर लेते हैं। यूं ही नहीं मिलती हर इंसान को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती हर इंसान को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। आसमान में आशियाना बनाने के लिए परिंदों को भी बार बार तिनका उठाना पड़ता है। हर चीज़ को पाने के लिए एक जुनून होना चाहिए और उसके लिए काम करने के लिए लगन भी होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आप मन लगा के पढ़ाई करो, देखना आप एक ना एक दिन अपनी लाइफ में जरूर सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। नेक्स्ट है हिरण पार्क। ठीक है, यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह उद्यान ढासू मार्ग पर स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी। इसका कुल क्षेत्र 42 एकड़ है। ठीक है, आपने सिर्फ इसमें यही याद रख लेना कि यह हिसार जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। नेक्स्ट है खापरवास वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, यह वन्यजीव अभयारण्य विभिन्न प्रकारों के प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह झज्जर जिले में भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह अभयारण्य 204.36 एकड़ में फैला हुआ है। आपने याद रख लेना खापरवास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर में स्थित है, और ये भिंडावास जो वन्यजीव अभयारण्य है उससे मात्र 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पेपर में पूछ लेगा कि भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य से खापरवास वन्यजीव अभयारण्य कितनी दूरी पर स्थित है, वो है मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और इसे वर्ष 1991 में इसे मान्यता प्राप्त की गई थी। ठीक है, और कुछ ये फैक्ट्स हैं जिनसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार आइए हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेड जंगल प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट है
गिद्धों पर अध्ययन करने वाला हरियाणा भारत का सबसे पहला राज्य है। ठीक है, पेपर में पूछ लेगा कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले गिद्धों पर अध्ययन किया है, वो है हरियाणा। नेक्स्ट है फिनसेट यानी तीतर प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट है कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य में भौंकने वाले हिरण निवास करते हैं। ठीक है, आपने याद रख लेना है कि कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य में भौंकने वाले हिरण निवास करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना पिंजौर पंचकुला में की गई है। नेक्स्ट है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र 1981-1982 भोर सुदान कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अब याद रख लेना मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना 1981-82 में की गई थी और ये भोर सुदान यानी कुरुक्षेत्र में स्थित है। पेपर में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि भोर सुदान किस जिले में स्थित है, वो है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 11530.56 हेक्टेयर है। ठीक है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, लेकिन जो कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य है उसका क्षेत्रफल अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्रफल से ज्यादा है, लेकिन जो HSE है उसने अपनी आंसर की में अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य को सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य माना है। इसलिए याद रख लेना, अगर पेपर में पूछा जाए तो आपने इसको टिक करना है। ठीक है, और नेक्स्ट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को सन 1972 में वाटर बर्ड रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, पेपर में जरूर पूछेंगे कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष में वाटर बर्ड रिजर्व घोषित किया गया था, वो किया गया था 1972 में, और इसका अन्य नाम है सलीम अली पक्षी विहार। ठीक है, मैंने आपको आगे बता दिया था कि ये गुरुग्राम यानी हरियाणा में स्थित है और 1989 में नेशनल पार्क इसे बनाया गया था। ठीक है, पहले यह केवल सिर्फ और सिर्फ पक्षी विहार ही था। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सलीम अली कौन थे। नेक्स्ट है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में साल्ट्री पाए जाते हैं। ठीक है, पेपर में जरूर पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में साल्ट्री पाए जाते हैं, वो ही पाए जाते हैं कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्राकृतिक साल्ट्री बेल्ट है। ठीक है, और यहाँ पर ही एक कालेश्वर महादेव मंदिर भी है। ठीक है, हाल ही में HSE ने पेपर में पूछा था कि कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में किस भगवान का मंदिर पाया जाता है, वो पाया जाता है शिव जी का। ठीक है, और उसका क्या नाम है, उसका नाम है कालेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, ये आने वाले पेपर में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आप इसको जरूर याद रख लेना। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने ये भी याद रख लेना है कि हरियाणा में कुल 10 वन्य जीव अभयारण्य है, जिसके अंदर 8 तो वन्य जीव अभयारण्य है और 2 संरक्षण गृह यानी 2 जो प्रोटेक्टेड एरिया है, यानी जिसमें क्या होता है कि जिसके अंदर अवैध शिकार बैन होता है, और इसके साथ साथ वहाँ पे जंगली जानवरों को और पौधों को और पक्षियों को संरक्षण प्रदान की जाती है। ठीक, और वो कौन कौन से हैं, एक तो है सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य जो कैथल में है, और एक है बीरबाड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है जींद में। ठीक है, एक बार मैं आपकी पूरी एक बार दोबारा इसकी रिविजन करवा देता हूँ, उसके बाद हम स्टेडियम्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब आपको इसके आंसर नहीं दिख रहे होंगे, इसलिए आप फटाफट मुझे इनका आंसर चैट बॉक्स में बताते जाना। ठीक है, मैं एक एक वन्य जीव अभयारण्य का नाम बोलूंगा और उसके बाद मैं आपको कुछ 10 सेकंड का टाइम दूंगा और आप मुझे इसका आंसर फटाफट बताते चलना। ठीक है, इससे आपकी रिविजन हो जाएगी। जैसे पहला है कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ पर स्थित है, फटाफट मुझे आप इसका आंसर चैट बॉक्स में दो। नेक्स्ट है चीलचिला वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ पर स्थित है, इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी, युद्ध में अगर लड़ाई करेंगे तो हमारा मांस कहीं ना कहीं से छिलेगा। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ। नेक्स्ट है नहार वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, मैं रेवड़ी नहीं खाता। नेक्स्ट है अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, अब मेरे साथ ऐसे रिवीजन करते जाओ, देखना आपके सारे के सारे वन्य जीव अभयारण्य अभी याद हो जाएंगे। अगर अभी भी किसको याद नहीं हो रहे हैं तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार और देखना, आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है भिंडेवास वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट है खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, और मैंने आपको इसकी ट्रिक क्या बताई थी, घर में भिड़ोगे तो खोपड़ी फूटेगी। ठीक है, ये तो आप सबको बताइए, अगर घर में भिड़ोगे तो खोपड़ी फूटेगी और मम्मी पापा से आपको डांट भी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है खोली रेतान वन्य जीव अभयारण्य, ये कौन से जिले में स्थित है। नेक्स्ट है सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य, ये कौन से जिले में स्थित है, आप मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट है
बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य ये कौन से जिले में स्थित है? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर याद रख लेना। और इनके साथ साथ मैंने आपको जिनकी डिटेल भी बताई है आप उनको भी जरूर याद रख लेना। मुझे आशा है कि आपको सारे के सारे अब याद हो गए होंगे। और आइए अब हम जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेडियम है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे पहले है भीम स्टेडियम, ये है भिवानी में। ठीक है, ये तो आपको याद हो जाएगा, भैसे भिवानी, भीम स्टेडियम भिवानी में। नेक्स्ट है नाहर स्टेडियम, ये फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य खेल परिषद, ये फरीदाबाद में है। ठीक है, याद रख लेना नाहर सिंह स्टेडियम और हरियाणा राज्य खेल परिषद फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम, ये यमुनानगर में है। नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम में है। महावीर स्टेडियम हिसार में है। नेक्स्ट है कर्ण स्टेडियम करनाल में। ठीक है, ये भी सबको याद होता है, कर्ण करनाल, ये मिलते जुलते वर्ड हैं, तो ये सारे के सारे सबको याद हो जाते हैं। नेक्स्ट है शाह सतनाम सिंह स्टेडियम, ठीक है, ये सिरसा में है। नेक्स्ट है शहीद भगत सिंह स्टेडियम, ये भी सिरसा में है। ठीक है, दोनों में देखो शुरू में शाह आ रहा है, ठीक है, तो याद रख लेना दोनों में शाह आ रहा है, तो वो भी, तो यहाँ से भी दोनों में शाह ही आ रहा है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा शाह सतनाम स्टेडियम और शहीद भगत सिंह स्टेडियम सिरसा में है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य स्टेडियम, ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, ये कहाँ स्थित है, ये हिसार में है। नेक्स्ट है महाराजा अगरसेन बंसीलाल स्टेडियम, ये लाहली रोहतक में है। नेक्स्ट है उड्डा कॉम्प्लेक्स, ये पंचकुला में है। नेक्स्ट है देवीलाल स्टेडियम, ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है अर्जुन स्टेडियम, ये है जींद में। ठीक है, आप इसको वैसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे जय आ रहा है तो यहाँ पे भी जय आएगा। ठीक है, आपको याद हो जाएगा अर्जुन स्टेडियम जींद में। आप ऐसे 2 से 3 बार माइंड में रिपीट करोगे, यहाँ जय आ रहा है तो वहाँ भी जय आ रहा है, तो जिससे आप पेपर में ऑप्शन देखते हो टिक कर पाओगे। ठीक है, और ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेडियम थे जिससे बार बार HSC पूछती है, तो इसलिए मैंने इसको इसमें डिस्कस कर लिया है। फाइन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर अभी भी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।